ब्रेक था डाबर गुलाबी का कमर्शियल, उससे मुझे काफ़ी रिकग्निशन मिला और ऐसे फिर मेरे को एड्स मिलती रही और मेरा सिस्का का जो प्रिंट कमर्शियल था वो भी काफ़ी फेमस रहा और मुझे एक म्यूज़िक वीडियो से काफ़ी हाइप मिली जो मैंने जी म्यूज़िक कंपनी के साथ करी थी, जो मैंने डीजे सुकेतु के साथ करी थी। आई गॉट रियली गुड रिव्यूज़। इनफैक्ट मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी करी थी जो वायरल हुई एंड 5 मिलियन व्यूज़ मिले उसको। इट वॉज़ अबाउट अ मदर डॉटर रिलेशनशिप, जो सेलो किचनवेयर की तरफ से एक शॉर्ट फिल्म थी, तो वो मदर्स डे पे वायरल हुई एंड इट गॉट ग्रेट रिव्यू। तो ऐसे मैंने काफ़ी सारा काम किया जिससे मुझे कुछ रिकग्निशन मिली, तो काफ़ी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स और लोग मुझे पहचानने लगे। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपना बेस बनाया और लोगों से मिलती रही और हाँ, मुश्किल रहा पर आई वुडंट कंप्लेन बिकॉज आई लव व्हाट आई डू, तो आई हैव एंजॉयड माय जर्नी। आई थिंक एवरी वन हैज़ अ राइट टू चूज कि उनको क्या करना चाहिए, बट मेरा इंटरेस्ट कभी उतना टीवी पे रहा नहीं बिकॉज वो कंटेंट ना मैं देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वही चीज़ करूँ विच मैं जो किरदार में बिल्कुल सच्चाई से निभा पाऊँ। तो मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ मैं देखती नहीं हूँ, समझती नहीं हूँ, जो ऑडियंस में केटर ना कर पाऊँ, वो मुझे शायद नहीं करना चाहिए। सो मुझे कभी उतना इंटरेस्ट नहीं रहा कोई एपिक्स या सास बहू सीरियल्स या उस सब में। आई हैड गॉट ऑफर्स बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू फिल्म। पैसा वसूल हैपेंड व्हेन आई वेंट टू हैदराबाद एंड आई मेट पुरी जगन्नाथ सर, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ माई फिल्म, वेरी अक्लेम डायरेक्टर, एंड चार्मी कौर मैम हु इज़ एन एक्ट्रेस एंड नाउ अ प्रोड्यूसर। सो आई मेट देम, दे लव्ड मी एंड दे कॉल्ड मी अगेन टू हैदराबाद एंड दे हैड अ लुक टेस्ट एंड ऑडिशन एंड टिल देन आई वॉज नॉट श्योर कि क्या हो रहा है, यू नो। पर उनने मुझे फिर से बुलाया, 2-3 बार बुलाया, काफ़ी मेरे साथ एक डिटेल्ड स्क्रिप्ट एनालिसिस किया, ऑडिशन फिर से किया, एक फ़ोटोशूट हुआ। तो ये सब चीज़ें जब होने लगी तो मुझे समझ आया कि हाँ, वो लोग मुझे सीरियसली ले रहे हैं और उन्होंने मुझे बताया कि भैया फाइनलाइजिंग मी फॉर पैसा वसूल।